छोटे कुछ तो कैसे हैं आप सभी। होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में। तो अटैक ऑन टाइटन का मांगा ख़त्म हो चुका है, मगर ख़त्म होकर भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी अटैक ऑन टाइटन के 8 पेजेस बाकी है, यानी कि एडिशनल 8 पेजेस, जो कि वॉल्यूम 34 में हमें दिखाया जाएगा। एंड ये रिलीज़ होगा जून 9 को। मगर कुछ दिन से बहुत सारे लीक्स आए हैं जिसमें इसके बारे में, यानी कि एडिशनल जो 8 पेजेस है उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे थ्योरीज बाहर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज ही नहीं, बहुत सारे लीक्स भी बाहर आ रहे हैं। एंड मुझे 3 फोटो मिला जहाँ पर दिखाया जा रहा है कुछ हो रहा है। तो उसी के लिए आपको ये वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं गाइस, हम लोग इस वीडियो में और भी कुछ बातें करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग जिस कारण ये वीडियो देखने आए हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो 9 जून को अटैक ऑन टाइटन का वॉल्यूम 34 आ रहा है, एंड उसमें 8 एक्स्ट्रा पेजेस भी है। तो उसके लिए बहुत ही धमाल मचा हुआ है एओटी फैंडम में कि कब आएगा, इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सब। तो गाइस, हमें जो 3 फोटो मिले उनमें से 1 फोटो ये रहा। इस फोटो में हमें दिखाया गया है कि एरन के जो ग्रेव है उसके सामने बहुत सारे लोग आए हैं एरन के ग्रेव को विजिट करने। एंड यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं। तो हम कह सकते हैं बहुत सारा समय बीत चुका है एंड बहुत सालों बाद एरन के ग्रेव में बहुत सारे लोग विजिट करने आए हैं। एंड इसी के बाद एक फोटो दिखाया गया है जिसको लेके एओटी फैंडम में हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक आर्मी उसके वाइफ को लेकर एंड उसके बच्चे को लेकर एरन को ग्रेव को विजिट करने आए हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो आर्मी होता है उसको देखने में जेन की तरह लग रहा है। एंड वो जेन ही है मुझे लगता है, क्योंकि उसका हेयर स्टाइल एंड उसकी जो स्टाइल है पूरी तरह से जेन से मिलता है, एंड हाइट भी जेन की से मिलता है। ये तो जेन है, ये कन्फर्म है। मगर उसके पास में जो लेडी बैठी हुई है वो कौन है? तो यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं, सब नहीं, 50% कह रहा है कि ये मिकासा है, 50% कह रहा है कि ये मिकासा नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे नहीं लगता कि ये मिकासा है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर हमें और भी एक फ़ोटो दिखाया गया है, 3 फोटो में और भी एक फ़ोटो है, यानी कि 3 ही तो है। मैंने पहले एक दिखाया, ये एक है, एंड तीसरा एक फ़ोटो है जिसमें हमें दिखाया गया है एक बूढ़ी औरत अपने गले में एक स्कार्फ पहनी हुई है एंड एक जगह पर लेटी हुई है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर है। एंड ये लाल स्कार्फ किसका हो सकता है, गेस करो। ऑब्वियसली इस मिकासा। अगर हम फिर से जो सेकेंड पिक मैंने आपको दिखाया उसमें जाए तो हम देख सकते हैं जो लेडी थी जेन के साथ, उसने अपने गले में कोई स्कार्फ नहीं पहना। मिकासा और स्कार्फ के बिना ये हो ही नहीं सकता गाइस, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो आप चिंता छोड़ दीजिए कि मिकासा फिर से शादी कर रही है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मिकासा एरन को चाहती थी एंड चाहता है, एंड सारा जीवन एरन का ही रहेगा, एंड वो अकेले ही रहेगी, एरन के बिना किसी के साथ नहीं जाएगी। तो गाइस, यही लीक था एंड इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता सारे थ्योरीज सही है। मेरा थ्योरी आपको कैसा लगा एंड मेरा थ्योरी कितना रिलेटेबल है एंड कितना सच है ये आपके ऊपर है। मुझे लगता है मैंने जो कहा वो 100% सच तो नहीं हो सकता, मगर 90% सच हो सकता है। एंड बिलीव मी, टेंशन मत लो, 9 जून तक वेट करो, देन जब वॉल्यूम आ जाएगा तब देख लेना क्या होता है। अभी ये प्रेशर मत लो कि मिकासा ने शादी की है जेन से, एंड अपना दिल मत तोड़ो ये सोचकर। सो प्लीज़ वेट, डोंट पैनिक। तो गाइस, अब आते हैं दूसरे जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो कुछ दिन पहले इससे मैंने एओटी के बारे में, लास्ट वॉल्यूम के बारे में एक इंटरव्यू दिया था, एंड इंटरव्यू में उसने कहा कि जो लास्ट वॉल्यूम है उसको पढ़कर बहुत सारे लोग बहुत ही सैड होंगे, बहुत डिप्रेस्ड होंगे, यानी कि इस वॉल्यूम को देखकर लोग रोएंगे। मैं तो ज़रूर रोऊंगा, मुझे पता है, मैंने रो भी दिया था,
लास्ट चैप्टर पढ़ के। मैं क्या बताऊँ, सारे यूट्यूब फैंस का हालत एक ही जैसा है। इससे मैंने जैसे एंडिंग लिखा, जिसके कारण हमें रोना पड़ रहा है और कुछ नहीं, मगर इससे मैंने सॉरी भी कहा। उसने बहुत बहुत सॉरी फील किया हमारे लिए, क्योंकि हमने ये एंडिंग पर कर बहुत ही सैड फील किया एंड डिप्रेस्ड भी हुआ। जो भी हो गाइस, गेम ऑफ थ्रोन्स का एंडिंग भी ऐसा ही था, कुछ बहुत ही सैड, जो कि हम मान नहीं सकते। फिर भी गाइस, एओटी स्टिल अ मास्टरपीस, डोंट फॉरगेट दैट। एओटी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया भी है, तो हमें इसी को लेकर बहुत खुश रहना चाहिए। तो गाइस, डोंट पैनिक, स्टे सेफ, स्टे होम, इतना ही कहना था। क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप बताने को, सिर्फ फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, मेरा फीलिंग एओटी को लेकर। और क्या कहूँ भाई, क्या कहूँ, मेरा दिल टूट चुका है। फिर भी मिकासा एंड एरिन बेस्ट कपल, अपने ड्रीम में जाओ, कुछ सोचो, खुद का एक वर्ल्ड बनाओ, उसमें एरिन एंड मिकासा का एक अलग सा वर्ल्ड बनाओ, कुछ सोचो यार। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं सिर्फ फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों का और कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर लिखना आपका राय क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं, आपका फीलिंग क्या है एओटी के बारे में, एंड जो भी है लिख डालिए। देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आर आर आ सही होना आ रहा।